नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। ये रुख करते हैं आज की तमाम खबरों पर। आईपीएस स्कूल बरही के छात्र छात्राओं ने मनाया 25वां कारगिल विजय दिवस। बरही कन्नौर रोड में संचालित इंडियन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा 25वां कारगिल विजय दिवस मनाया गया। इस अवसर पर बच्चों द्वारा बोर्ड डेकोरेशन, शहीदों के फोटोग्राफ आदि प्रिंट कर शहीदों के प्रति अपनी आस्था जताई, साथ ही साथ कारगिल युद्ध के बारे में बताते हुए अपने नेशन को सबसे आगे रखने की शपथ ली। इस अवसर पर विद्यालय के चेयरपर्सन आर एस जायसवाल, मैनेजिंग डायरेक्टर पूर्णिमा जायसवाल, एस एल सर प्रिंसिपल, मोहम्मद हाशिम वाइस प्रिंसिपल, सविता प्राइमरी प्रभारी एवं आकाश सर का कार्यक्रम में सराहनीय योगदान रहा। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए कटनी से संवाददाता राजेश केवट की रिपोर्ट। 517 सैनिक लगभग इसमें शहीद हो गए। कारगिल पे पाकिस्तान और भारत के बीच ये युद्ध चला। पाकिस्तानी सेना की कुछ टुकड़ियां कारगिल की छोटी छोटी जगह पे अपना कब्जा जमा रही थी, जो हमारे भारतीय सेना को ये बात नागवार गुजरी और 99 जुलाई से ये युद्ध स्टार्ट हो गया। और 60 दिन तक लगातार चले इस युद्ध में हमारी भारत की सेना ने अंतिम विजय प्राप्त किया और शहीद हुए कई जवान, जिसे कई घरों की रौनक चली गई। मैं ऐसे सभी शहीद हुए जवानों को, भारतीय सेना के सैनिकों को विद्यालय परिवार की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और एक बार आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे साथ ये लाइन बोले, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल ऑफ यू।